सब्सक्राइब करें घसेरी चैनल और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो देखने के लिए। घसेरी का सभी दगड़ियों थे नमस्कार। गांव में गौड़िक मोल यानी गाय के गोबर से घर, आंगन, रसोई, पूजा स्थल आदि की लिपाई की जाती है। मिट्टी के घर थे तो तापमान को संतुलित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उत्तराखंड से पलायन हुआ और लोग शहरों में बस गए। सीमेंट से बना मकान तथा पत्थर, टाइल्स या सीमेंट का फर्श, जिस पर सिर्फ झाड़ू पोंछा हो सकता है। शहर की देखा देखी गांवों में भी सीमेंट के मकान बनने लगे। मिट्टी और मिट्टी के मकान पीछे छूटने लगे और मिट्टी से लीपना पुरानी बात हो गई। मेरुत मोल विगड़ियोंच अर्पुंगड़ो मच्छक के मोल विधुलियोंच मोल पाणिल घोर भी लिपियोंच। पर आज हम भी माटू अर मोल से दूर रहना छवा अरियान रुगड़िया बढ़ना छो। यह वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो सोचते हैं कि गाय के गोबर से घर लीपना अशिक्षा या गंवारपन की निशानी है, जबकि असलियत इससे ठीक उलट है। गांवों में घर आंगन को लीपने के लिए कहीं से अच्छी लाल मिट्टी लेकर आते हैं। उसे किसी बड़े बर्तन या तौली में पानी में भिगोया और उसके साथ में गोबर मिला दिया, फिर उससे घर लीपते हैं। इसमें गाय का गोबर इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि इससे घर शुद्ध और पवित्र हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि पूजा स्थलों को भी गाय के गोबर से लीपा जाता है। गाय के गोबर से घर लीपने से वह स्थान पूरी तरह से स्वच्छ बन जाता है। इससे टीबी जैसी बीमारी के वायरस और कई तरह के अन्य रोगाणु भी मर जाते हैं। वैज्ञानिक भी इसकी पुष्टि कर चुके हैं कि गोबर से घर लीपना हाइजीनिक यानी स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। वैज्ञानिकों के अनुसार जिस जगह को गाय के गोबर से लीपा जाता है वह कीटाणु मुक्त हो जाती है। घर को गाय के गोबर से लीपने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे वातावरण में और घर में निवास करने वाले व्यक्ति के तन मन में शीतलता बनी रहती है। आपने पंचगव्य का नाम सुना होगा। यह गाय से मिलने वाले पांच तत्वों से बना होता है। इनमें दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोमेह यानी गोबर शामिल है। पंचगव्य का आयुर्वेद में औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। गाय के गोबर के बारे में कहा जाता है कि यह एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और विटामिन B12 के गुणों से भरपूर होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर को गाय के गोबर से लीपा जाता है वहां लक्ष्मी का वास होता है, मतलब वहां धन धान्य रहता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। इस संबंध में एक कहानी प्रचलित है। गाय के विभिन्न अंगों में किसी न किसी देवता या देवी का वास माना जाता है। सभी देवी देवताओं ने गाय के अंगों में जब अपनी जगह बना ली थी तो तब माँ लक्ष्मी का नंबर सबसे बाद में आया। लक्ष्मी गाय के पास गई और बोली कि हे गौ माता,
मैं भी आपके किसी अंग में वास करना चाहती हूँ। गौ माता ने लक्ष्मी से कहा कि मेरे सभी अंगों में तो देवी देवताओं का वास हो चुका है, आप चाहो तो मेरे गोबर में वास कर सकती हो। माँ लक्ष्मी ने इसे स्वीकार कर लिया और कहा जाता है कि तभी से वह गाय के गोबर में वास करने लगी। यही कारण है कि गाय के गोबर को पवित्र माना जाता है और किसी शुभ कार्य में न सिर्फ पूजा स्थल को गाय के गोबर से लीपा जाता है बल्कि गणेश भी इसी गोबर से बनाया जाता है। आपको याद होगा कि गांवों में जब व्रत रखा जाता है तो उस दिन घर को गाय के गोबर से लीपा जाता है। कहते हैं कि ऐसे स्थान पर पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, मंत्रोच्चारण आदि करना शुभ और लाभकारी होता है। गौर कुलीपुण देखी और गौड़ पिजान देखी, बूंद रहन वाला भय बंधु, दीदी भूलियों थे गौर की याद जरूर आनी होली। कभी तुम भी गौर लिपणो माटू लेके आवला, कभी तुमन भी मोल और माटू मिले होलू, और कभी तुमन भी गौर लिपल। गौर जेलिया ते छी छी न करिया, अब बिल्ली पिया गौर मोल माटन। नमस्कार।